जो जो मालूम है वही मन जाता है। बुद्धि हमारे ज्ञात क्षेत्र के परे चली जाती है, और इसीलिए किसी की तारीफ करनी हो तो कहते ये बड़ा बुद्धिमान है, या ऐसा नहीं कहते ये बड़े मेंटल है। देखो तो बुद्धि का क्षेत्र मन से विस्तृत है। कारण क्या है? बुद्धि में राग द्वेष का प्रभाव नहीं है, बुद्धि में विजडम है, बुद्धि में रीजन है, विवेक है। तो ये स्थूल से सूक्ष्म में जाना माने क्या? अपने जीवन को विवेक युक्त जिए। कौन हमारे जीवन को चला रहा है, विवेक या राग द्वेष, कौन चला रहा है? वो तो ठीक है, लेकिन लेकिन विकिन कुछ नहीं। डोंट जस्टिफाई व्हाट इज राइट शुड बी डन। देखो जैसे हम दुनिया में खाने दिन भर बाहर खाना ही खाते हैं ना बाहर, तो वही चक्कर। अब कितना भी बताओ ना, ये खाना खिलाने वाले को समझते नहीं, मानते तो कोई नहीं। हम बता दें ब्रह्म हो, वो नहीं मानेंगे, ये बात मानेंगे, फिर हमको उनकी बात माना। स्वामी जी हमने इतना प्यार से बनाया है ना आपके लिए, अरे बाबा मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा ना, कोई बात नहीं बाबा जी खा लो। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक नया तरीका निकाला। तरीका ये है कि जब कोई देते हैं तो मैं सीधा कहता हूँ मुझे नहीं अच्छा लगता, जब मुझे अच्छा नहीं लगता कहे फिर वो नहीं देंगे, उस समय उनका जो मुख कमल है खिल जाता है। तो ये इमोशन से ऊपर उठ करके विवेक में प्रवेश करना है। फिर यदि हमारा विवेक जागृत हो गया तब हमको बातें समझ में आती है कि जो हम कंप्लेन करते हैं हर चीज को लेकर के, स्वामी जी वो तो ठीक है आप तो सन्यासी हो हम तो गृहस्थ है, अरे ये कोई क्वालिफिकेशन है क्या गृहस्थ है? तो देखो और फिर कंप्लेन करेंगे, जब भी हम मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो बहुत विचार आते हैं क्या करें, तो मत करो मेडिटेशन, लेकिन हमारे गुरु ने बताया तो करते रहो। कंप्लेन करना बंद कर दो। We have to live at zero complaint level. देखो आपकी बुद्धि मन के रूप में नीचे गिरेगी नहीं, बुद्धि कारण है, मन कार्य है, हमको कार्य से ऊपर उठना है, बुद्धि में आना है, मन बुद्धि में आ गए तो फिर यहां बुद्धि में आने के बाद फिर हमको ये समझ में आएगा क्या जीवन का लक्ष्य क्या है। तो क्या भगवान की प्राप्ति है? भगवान को बिचारे को छोड़ो, उसको परेशान मत करो। जीवन का लक्ष्य है अपने मन का संतुलन किसी भी अवस्था में भंग ना हो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणे स्थिताः। मन का संतुलन यही जीवन की अंतिम स्थिति है। मन का संतुलन माने ये नहीं कि एकदम पागल के जैसे घूम रहे, नहीं। तीन स्थितियां होती है मन की, एक तो मन शांत है, दूसरा अलर्ट है, और तीसरा विजिलेंट है। अलर्ट ये है कि कहीं इधर उधर भटक तो नहीं रहे, और विजिलेंट है कहीं जगत में व्यवहार करते समय मन में संस्कार तो निर्माण नहीं हो रहे राग द्वेष के, दोस्त दुश्मन के, अपना पराया के। इस जागृति से जीना ये मन की स्थिति है।
देखो, और ऐसी जब हमारी बुद्धि काम करने लग जाती है तो एक दिन ईश्वर के अनुग्रह से, ध्यान से सुनना, ये जो द्वैत का मार्ग है ना, जैसे पूजा पोथी और फिर कुंडलिनी की जागृति और फिर पिछला जन्म अगला जन्म, ये सब का सब हमको द्वैत में फंसाने का मार्ग है। आप देखेंगे यहां अगला पिछला जन्म का चक्कर नहीं है, नहीं तो ऋणानुबंध, काहे का ऋण, काहे का अनुबंध, हमारा किसी के साथ कोई रिश्ता विश्ता नहीं है। बीबी के साथ भी, हां जी, देखो संतो, इतना सहजता से रहो ना, तब एक दिन ये बात समझ में आती है कि ना कभी हमारा जन्म हुआ, ना कभी हम बढ़ रहे हैं, ना कभी हम मरेंगे। तब जाकर के हमारी बुद्धि परिमार्जित हो गई है, और ये अपने करने से नहीं होता। अब इसके लिए एक सिद्धांत समझ लें। एक बालक ने हमको प्रश्न पूछा था, स्वामी जी आप जो बोलते हो ना, कभी कभी डबल स्टैंडर्ड लगता है। मैंने बताओ क्या क्या मैंने बोले, आप कहते हो कुछ अच्छा हुआ हमारे द्वारा तो कहते हैं भगवान की कृपा से अच्छा हुआ, और कुछ बुरा हुआ तो कहता है कि हम जिम्मेदार है उसके लिए, ऐसा डबल स्टैंडर्ड क्यों? हमने कहा यार तुम बड़े इंटेलिजेंट हो, अब सुनो, जब कुछ बुरा होता है हमारे माध्यम से और हम कहेंगे भगवान ने कराया, तो अपने को सुधारने का प्रयत्न जीरो होगा, और कुछ अच्छा हो गया और हमने सोचा मैंने किया, तो हमारा मैं और तगड़ा हो जाएगा। ये दो प्रकार का अप्रोच जो है, सफलता प्रभु का अनुग्रह और गड़बड़ी अपनी करनी है, ये दोनों को साथ लेके चलो, देखो अपने आप पर नियंत्रण आता है। ये बातें बुद्धि में होती है, मन में नहीं होती।